जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर। बेटा ये पहला पूरा का पूरा कर चुके हैं, उसमें पहले क्वेश्चन में कितने 11 क्वेश्चन थे, 11 कर चुके हैं। पूरा न्यू सिलेबस से न्यू पैटर्न पे पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे ये लोग भी पढ़ सके। आज और देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे नंबर क्वेश्चन से लगाना शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। कह रहा बाबू कि दो सीधे पथ समीकरणों x माइनस 3y इक्वल टू 2 और माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 5 द्वारा निरूपित है। जांच कीजिए कि ये पथ परस्पर काटते हैं या नहीं काटते हैं। यह क्या करना है बाबू, जांच करना है कि दोनों काटते हैं कि नहीं काटते हैं। बाबू एक चीज ध्यान देना, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण दिया हो, एक दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 और कहा हो कि ज्ञात कीजिए कि बिना ग्राफ के ये काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो हम बाबू इसका अगर निकालेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 ना आए बाबू तो लिखेंगे क्या कि हाँ दोनों समीकरण एक दूसरे को एक बार काट रहे हैं, ठीक है बाबू। क्या करते हैं, एक बार काटते हैं, ठीक है, एक बार क्या करते हैं बेटा, काटते हैं और क्या होता है, एक हल निकलता है। क्या होता है, एक हल निकलता है। आए समझ में। अब यहां से ऐसे करेंगे बाबू, अगर क्या करें a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो जाए तो क्या होता है बेटा, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो एक रेखा जैसे इसमें क्या होगा, एक समीकरण यह है दूसरा ऐसे, मतलब एक दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक के ऊपर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब बाबू यहां पर एक हल नहीं अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा, अनेक हल निकलते हैं। लेकिन अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो और इक्वल टू ना हो c1 अपान c2 के, तब बेटा क्या होता है, दोनों रेखा के समीकरण जो होते एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समांतर होते हैं। और जब समांतर होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता। क्या होता बाबू, कोई हल नहीं होता है। आए समझ में, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अब इस पे क्वेश्चन लगाना हो तो आराम से लगा लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। इतना आप लोग समझ गए होंगे, मतलब अगर समीकरण दोनों लिख लें, ऐसा आ गया तो एक हल होगा काट रहा है, ऐसा आ गया बेटा तो अनेक हल होगा एक दूसरे के ऊपर है, ऊपर है, ओवरलैप होगा, ऐसा है बेटा तो कोई हल नहीं होगा, नहीं काट रहा है। क्या लिखेंगे बेटा, नहीं काटता है, कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। और ग्राफ बनाने के लिए बोला नहीं है बेटा, इसमें से बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं चैप्टर हटा दिया है, न्यू पैटर्न पे लाया है। लेकिन पहले वाला जो था वो बेसिक से था, बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे रहा। तो दो सीधे पथ समीकरण x माइनस 3y बराबर 2, एक दिया बेटा x माइनस 3y बराबर 2, ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और क्या करोगे बेटा, माइनस 2x प्लस 6y बराबर 5, माइनस 2x प्लस 6y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2। अब बाबू ज्ञात करना हल है कि नहीं है, एक चीज देखना क्या पूछा है इसमें, ये परस्पर काटते हैं या नहीं। तो यहां से देखेंगे बेटा, पहले समीकरण से, समीकरण एक से देखेंगे, अगर समीकरण एक से क्या होगा बेटा, x माइनस 3y बराबर 2, यही दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1, या बेटा इसको थोड़ा सा इधर कर दो, माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस c1 बराबर 0 से क्या करो, तुलना कर दो। तुलना करने पर अब बाबू a1 का मान कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं एक होगा, b1 का मान यहाँ पे माइनस 3 होगा, c1 का मान माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मेरे रसगुल्ला समीकरण 2 से अगर देखोगे, क्या देखोगे समीकरण 2 से, कितना माइनस 2x प्लस 6y, इधर 5 है बेटा, इधर इसको लेके आ जाओ, माइनस 5 बराबर 0,
ए टू यक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो ए टू का मान कितना हो जाएगा माइनस दो, बी टू का मान हो जाएगा छह, सी टू का मान हो जाएगा बेटा माइनस पांच। इतना हो गया। अब चेक कर लेते हैं बेटा, ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू से अगर देखेंगे, ए वन का मान एक है, एक हो जाएगा, बी ए टू का मान कितना है माइनस दो है, तो माइनस दो हो जाएगा बराबर, बी वन का मान माइनस तीन है तो माइनस तीन हो जाएगा, बी टू का मान छह है तो छह हो जाएगा, सी वन का मान है बेटा यहाँ पे सी वन रहेगा, सी वन का मान कितना यहाँ पे बी वन रहेगा, सी वन का मान माइनस दो है तो माइनस दो रहेगा, और सी टू का मान माइनस पांच है तो माइनस पांच, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस ऊपर जाएगा, एक बटे दो बराबर तीन दूनी छह, एक बटे दो बराबर दो बटे पांच। देखोगे बेटा यही है बराबर है, लेकिन यह वाला बराबर नहीं है। लेकिन चूंकि ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, तो बेटा काटेगा नहीं, क्या करेंगे परस्पर काटेंगे नहीं, लिख देना क्या होगा बेटा, काटेंगे नहीं, मतलब कोई हल नहीं होगा। आए समझ बेटा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलो अब इसको मिटा रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर दो हो गया, आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, दो एक्स माइनस चार वाई, यही दिया है बेटा, दो एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस चौबीस को हल कीजिए, और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वाई बराबर यम एक्स प्लस थ्री हो। एक दिया बेटा समीकरण, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, इसको मान लिया समीकरण नंबर एक, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, दो एक्स माइनस चार वाई बराबर चौबीस, दो एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस चौबीस, यही दिया है बेटा। तो इसमें क्या करो, दो कॉमन ले लो, यक्स माइनस दो कॉमन ले लो, नहीं तो डायरेक्ट रहने दो, इसको मान लो समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब बाबू क्या कहा है, वाई बराबर यम एक्स प्लस थ्री हो, तो यम का मान ज्ञात कीजिए, वाई बराबर यम एक्स प्लस थ्री हो तो यम का मान निकालना, ठीक है। देखना बाबू इसमें ये तो ना बोला प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, ना बोला है विलोपन विधि से, तो हम विलोपन विधि से लिखाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे बेटा, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से क्या होगा, समीकरण एक और दो को उठा के क्या किया जाए, या तो समीकरण, हाँ समीकरण एक में से दो को घटा देते हैं, ठीक है, समीकरण एक माइनस दो कर देते हैं, कितना बेटा, दो एक्स है प्लस तीन वाई है बराबर ग्यारह, यहाँ पे दो एक्स है माइनस चार वाई है बराबर माइनस चौबीस, घटाएंगे यह माइनस यह प्लस इससे कैंसिल, और चार तीन कितना हो जाएगा बेटा, सात हो जाएगा, सात वाई बराबर चौबीस ग्यारह पैंतीस, तो वाई बराबर पैंतीस बटे सात, सात पचे पैंतीस, वाई बराबर कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा बाबू पांच हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, वाई का मान चाहे समीकरण एक में चाहे समीकरण दो में रख देना, ठीक है। वाई का मान समीकरण किसमें रखोगे, चाहे एक में रखो बेटा चाहे दो में, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे बेटा, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह है, तो दो एक्स प्लस तीन वाई का मान कितना है पांच बराबर ग्यारह, तो दो एक्स प्लस पांच दिया पंद्रह बराबर ग्यारह, तो दो एक्स बराबर ग्यारह माइनस पंद्रह, दो एक्स बराबर माइनस चार, तो यक्स बराबर माइनस चार बटे दो, दो दूनी चार, यक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। यक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, चलो ठीक है, हो गया। अब बाबू वाई बराबर यम यक्स प्लस थ्री से, अब इसमें बेटा वाई और यक्स का मान रख दो, वाई का मान था पांच, यम गुड़े यक्स का मान माइनस दो प्लस तीन,
कितना हो जाएगा माइनस दो एम प्लस तीन, ये इधर आएगा पांच माइनस तीन बराबर माइनस दो एम, माइनस दो एम बराबर दो, तो बेटा माइनस एम बराबर हो जाएगा दो बटे दो, कटेगा एक आएगा माइनस एम बराबर एक, तो एम बराबर हो जाएगा माइनस एक, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर चार, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा, आ जाओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा बाबू कि 2x प्लस वाई बराबर 23, 4x माइनस वाई बराबर 19 हो तो y माइनस 2x और y पान x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है बेटा 2x और क्या दिया है 2x प्लस वाई बराबर 23 प्लस वाई बराबर 23, समीकरण नंबर एक मान लिए इसको। और क्या दिया बेटा 4x माइनस वाई बराबर 19, 4x माइनस वाई बराबर 19, समीकरण नंबर दो, ये हो जाएगा बाबू। अब 5y माइनस 2x का मान निकालना, पहला निकालना बेटा किसका 5y माइनस 2x का मान, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना बेटा y अपान x और माइनस y अपान x माइनस 2 के मान, इसका मान निकालना, ठीक है। ये दोनों मान आप लोगों को निकालना है। ये देख रहे हो बाबू इसमें क्या करो, समीकरण एक और दो को जोड़ दो, ठीक है, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो बिल ओपन विधि यहां पे लगा रहे हैं क्योंकि बोला तो है नहीं किस विधि से सॉल्व कीजिए, बिल ओपन विधि से, ठीक है। तो यहां से करेंगे बेटा समीकरण क्या होगा एक प्लस दो, समीकरण एक प्लस दो हो जाएगा। अब यहां पे अगर किया जाएगा तो कितना है 2x प्लस वाई बराबर 23 है और 4x माइनस वाई बराबर 19 है, जोड़ेंगे इससे कैंसिल, 4 2 6x हो जाएगा, 9 3 12 है, 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा, x बराबर 42 बटे 6, 6 7 42, x बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। x का मान बेटा समीकरण एक में चाहे समीकरण दो में रख देना, x का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, तो 2x प्लस y बराबर 23, ठीक है, x का मान 7, 2 गुणे 7 प्लस y बराबर 23, 7 दुनी 14 प्लस y बराबर 23, y बराबर 23 माइनस 14, तो y बराबर 23 में से 14 जाएगा बेटा, 6 3 9 हो जाएगा कितना, y बराबर 9, x बराबर 7 और y बराबर कितना आएगा बेटा 9 आ जाएगा। अगर सॉल्व करोगे तो आप लोग देख लोगे क्या होगा, x बराबर 7 होगा, y बराबर हो जाएगा 9, आराम से आप लोग कर लोगे। चलो अब यहां से y माइनस 2x का मान पूछा है और क्या पूछा है, देखो बेटा y 5y माइनस 2x का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे होगा 5 गुणे y का मान कितना 9 माइनस 2x का मान कितना है 7, 5 9 45 माइनस 7 दुनी 14, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और दूसरा y अपान x माइनस 2, जब यहां से निकालोगे y अपान x दिया है बेटा, तो y का मान कितना है, y का मान 9, x का मान 7 माइनस 2, तो 9 माइनस 7 दूनी 14 अपान 7, 9 में से 14 गया माइनस 5 बटे 7, ये हो जाएगा इसका मान और यह हो जाएगा इसका मान, ठीक है। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 5, और 5वें नंबर क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, ठीक है, कंडीशन दे दिया है। पहला कहा है x प्लस वाई बराबर कितना 14 दिया है बाबू, और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर कितना 4 दिया है, इसको मान लिया समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर दो। समीकरण एक से प्रतिस्थापित कर दो बेटा,
यक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया है, तो यक्स बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण नंबर मान लेना 3। ठीक है, लिखना क्या, समीकरण 3 से यक्स का मान कहां पे, समीकरण 2 में रखने पर, तो हो जाएगा, रखेंगे बेटा समीकरण 2 कितना, यक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो यक्स का मान 14 माइनस वाई बराबर 4 है, तो 14 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको इधर लाओगे 14 माइनस 4 बराबर 2y, ठीक है, तो 14 में से 4 गया 10 बराबर 2y हो जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो 2y बराबर है 10, तो y बराबर 10 बटे 2 कितना हो जाएगा, 5, y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण किस में रखोगे, 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना बेटा, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई का 5, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया इसका बेटा हल, हल ही पूछा है, हल कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा नोट कर लो बेटा, दूसरा कह रहा है, ध्यान देना कि यस माइनस टी बराबर 3, यस बेटा हम ऐसे बना रहे हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा, बराबर 3, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या कहा है, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, यस बटे 3 और क्या है बेटा प्लस माइनस, प्लस टी बटे 2 बराबर 6, सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6, तो 2s प्लस 3t बराबर 6×6=36 हो जाएगा बेटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। आ जाओ आगे, अब यहां समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण कितना, s बराबर s माइनस t बराबर 3 है बेटा, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से यस का मान कहां पे, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा समीकरण 2 कितना है, 2s प्लस 3t बराबर कितना है, 36 है। अब यहां से क्या होगा, 2 गुणे यस का मान कितना है, 3 प्लस टी बराबर, यहां पे बेटा कितना है, 3t है प्लस है, सॉरी 3t है इक्वल टू 36, तो 2 × 3 = 6 और प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, तो 3 × 2 = 5t हो जाएगा बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर कितना होगा 30, तो कितना होगा अगर करोगे तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 30 बटे 5, 5×6=30, t बराबर हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, t का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दो, t का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर, तो रखोगे यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3 है बेटा प्लस टी का मान कितना 6, तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 का पहला और दूसरा दोनों सॉल्व हो गया, उसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा इसके तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवां, सातवां है, 7 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो हम लोग 2 सॉल्व कर चुके, फिर करेंगे तीसरा सॉल्व, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको मिटाएं। अब बस बेटा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतने चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, जितने आप लोग सब्सक्राइब कराओगे उतने और हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम भी और मेहनत से बेटा आप लोगों को पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें दिया है 3x - y = 3 दिया है बाबू, और क्या दिया है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा दिया बेटा 9x - 3y = 9 3 कॉमन ले लो बेटा, 3x - y = 9 3x - y = 9y 3 3 3 जा 9
3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको समीकरण नंबर 2। एक चीज देखोगे बेटा, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों सेम है, तो क्या होंगे बेटा, दोनों लिखना, दोनों समीकरण क्या है, समान है, अतः इनके अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.2x प्लस 0.3x, क्या दिया बेटा, 0.2x प्लस 0.3x इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 1.3 दिया है, ठीक है। और अगला क्या दिया, 0.4x प्लस 0.5y, यहाँ पे y है, सॉरी बेटा। एक चीज मान लो बेटा, दोनों पक्षों में इसमें 10 का गुणा कर दो, ठीक है, लिखना क्या, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ आगे, आगे देखेंगे बेटा क्या होगा, दिया है इसमें 0.4x, 0.4x प्लस क्या होगा बेटा, 0.4x प्लस 0.5y, 0.5y इक्वल टू क्या होगा बाबू, 2.3, क्या होगा, 2.3। इसमें भी दोनों पक्षों में क्या करना, 10 का गुणा कर देना, तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है बेटा, क्या करो, समीकरण 1 से सॉल्व करना शुरू कर दो। 1 से सॉल्व करोगे, लिखना समीकरण 1 से क्या है, 2x है प्लस 3y है बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये समीकरण 2 कितना है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, तो यहां से जब करोगे तो क्या होगा बेटा, 4 इंटू x का मान 13 माइनस 3y, ये हो जाएगा बटे 2 प्लस 5y बराबर 23, यहां से काटोगे 2 दूनी 4, यही होगा, तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, तो बेटा 6y में से 5y जाएगा, माइनस y बचेगा, क्या बचेगा, माइनस y, 23 इधर जाएगा माइनस 26, तो माइनस y बराबर माइनस 3, यही होगा 23 3 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 होगा, क्या होगा, y बराबर 3 होगा। अब यहां से y का मान बेटा समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना है, 3 बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, x बराबर 13 में से 9 गया, 9 4 13 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया, 2 आएगा, ठीक है, x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ये हो जाएगा बेटा इसका हल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया बेटा, 3 भी हो गया, पांचवे का तीसरा और चौथा हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा पांचवा, इसको आप लोग नोट कर लो, पांचवे का पांचवा देखते हैं क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। पांचवा है ना बेटा, पांचवे का पांचवा, अंडर रूट 2x, सात है अभी टोटल, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, क्या दिया बेटा, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 मान लिया बेटा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू क्या बेटा, 0 है ये भी, चलो ठीक है, इसको बेटा बाहर कर लेना, अंडर रूट 3x माइनस 2 रूट 2y इक्वल टू 0 होगा, समीकरण नंबर 2।
समीकरण किससे बेटा अगर देखा जाए एक से, अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, तो अंडर रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा थ्री वाई। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा अगर निकालोगे माइनस अंडर रूट थ्री वाई अपान अंडर रूट टू, समीकरण नंबर तीन हो जाएगा। ठीक है, समीकरण तीन से x का मान बेटा समीकरण दो में रख दो। ठीक है, समीकरण तीन से x का मान किसमें बेटा समीकरण दो में रखने पर रखोगे अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट टू वाई इक्वल टू जीरो है, तो अंडर रूट थ्री इन टू बेटा x का मान अंडर रूट थ्री वाई अपान अंडर रूट टू यही है बेटा, और माइनस टू रूट टू वाई इक्वल टू जीरो। आ जाओ आगे यहाँ पे, इसका बुरा इसमें होगा अंडर रूट हट जाएगा तीन वाई माइनस बेटा क्या है यहाँ पे देखो, इसका बुरा इसमें होगा अंडर रूट टू हो जाएगा दो दूनी चार माइनस चार वाई। ठीक है, यही होगा और बटे अंडर रूट टू बराबर जीरो। इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आप लोग आराम से ही कर लोगे। एक चीज रुको बेटा, यहाँ पे माइनस है, दूसरे समीकरण में क्या था माइनस था और पहले में प्लस है। इतना कर लोगे आप लोग, चलो इसको बेटा इधर लेके जाओगे तो माइनस चार तीन सात वाई बराबर जीरो, तो y बराबर कितना हो जाएगा जीरो होगा। ठीक है, y का मान समीकरण किसने बेटा तीन में रखने पर, y का मान जब समीकरण तीन में रखेंगे x बराबर माइनस तीन अंडर रूट तीन वाई का मान जीरो बट्टे क्या है बेटा अंडर रूट टू, यह बेटा पूरे को क्या कर देगा जीरो, यहाँ पे x का मान हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं क्या कह रहा। छठवां नंबर कह रहा बाबू अंडर रूट थ्री एक्स नहीं थ्री एक्स बाई टू माइनस क्या दिया है पांच वाई बाई थ्री इक्वल टू कितना दिया है माइनस टू दिया। इसका इसमें करोगे बेटा तीन त्रिका नौ एक्स और इसका इसमें करोगे दस वाई बटे छह बराबर माइनस दो, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी माइनस 12 समीकरण नंबर बेटा एक ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ फिर क्या दिया है, दिया बेटा x बटे तीन प्लस y बटे दो, x बटे तीन प्लस y बटे दो बराबर कितना दिया है 13 बटे 6 इसका इसमें करोगे बेटा 2x प्लस 3y बटे तीन दूनी छह बराबर तेरह बटे छह, छह से छह कैंसिल दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर तेरह समीकरण नंबर दो, ये समीकरण नंबर क्या बेटा एक है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक से करोगे बेटा नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर माइनस बारह, तो नौ एक्स बराबर माइनस बारह प्लस दस वाई, तो एक्स बराबर माइनस 12 प्लस 10 वाई बटे 9 समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा तीन। इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। समीकरण तीन से x का मान बेटा समीकरण नंबर दो में रख देना। ठीक है, समीकरण तीन से x का मान समीकरण दो में रखने पर तो क्या होगा अगर देखेंगे बेटा, तो यहां से दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर तेरह यही समीकरण नंबर दो, तो एक्स का मान रखेंगे बेटा दो गुड़े माइनस बारह प्लस दस वाई बटे नौ और प्लस तीन वाई बराबर तेरह करोगे बेटा यहाँ पे माइनस चौबीस बारह दूनी चौबीस प्लस दस दूनी बीस वाई नौ त्रिक सत्ताईस वाई। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा सत्ताईस वाई और यह बटे में इधर जाएगा तेरह नवा 117 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे 20 और 27 47 हो जाएगा बेटा 47 वाई और 24 उधर जाएगा माइनस में होगा माइनस में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 47 वाई बराबर 7 4 11 2 1 3 1 4 और 141
तो 47 तीन कितना होता है बेटा 141, 141 बटे 47 काटोगे बेटा 3 आएगा, वाई का मान आ जाएगा 3। वाई का मान किसमें बेटा, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखोगे x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, x बराबर -12 प्लस 10y का मान 3 बटे 9, x बराबर -12 प्लस 30 बटे 9। तो बेटा यहां पे x बराबर 18 बटे 9 काटोगे, x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, x का मान आएगा 2, y का मान आ जाएगा बेटा 3। ये हो जाएगा इसका मान। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 का, क्वेश्चन नंबर कितने 5 तक 6 तक सॉल्व हो गए हैं, उसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो गए हैं, अब देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, सातवां एक ही बचा ही है। ठीक है बेटा, एक चीज बेटा यह चीज आपको दिख नहीं रहा, तो ये क्या लिखा है वहां पे, जो ऊपर लिखा है कितना लिखा है, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू बेटा 13/6 है, वहां पे दिख नहीं रहा था, ध्यान नहीं दिए। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रश्नावली का, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। सातवां है बेटा, चलो क्या कह रहा सातवां, 2x अपान a प्लस y अपान b बराबर 2। ठीक है, 2x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2। यहां से अगर सॉल्व करोगे बेटा, क्या करो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम लोग, नहीं तो डायरेक्ट करें इसको, मान लिया समीकरण नंबर 1 अगर करेंगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा, तो पक्षांतर करके सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया बेटा, x अपान a माइनस y अपान b बराबर क्या दिया है बेटा 4, समीकरण नंबर 2। एक काम करो बेटा, इसमें समीकरण 2 थोड़ा इजी लग रहा है, समीकरण 2 उठा लो, समीकरण 2 से x अपान a माइनस y अपान b बराबर 4 उधर कर दो बेटा, x अपान a बराबर 4 माइनस तो प्लस y अपान b, ये मान लिया बेटा इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 से x अपान a का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा ध्यान देना क्या है समीकरण 2, x अपान a माइनस समीकरण नंबर 1 में रखो बेटा, जब तो उसे उठा रहे हो ना, तो समीकरण किसमें रखोगे 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना दिया है 2x अपान a प्लस y अपान b बराबर 2, तो 2x अपान a का मान 4 प्लस वाई अपान बी यही है, और प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 वाई बटे बी और प्लस वाई बटे बी बराबर 2, तो करोगे 8 उधर जाएगा, 2 एक 3 वाई बटे बी और बराबर 2 माइनस 8। ठीक है, तो 3 वाई बटे बी बराबर माइनस 6, उधर लेके जाओगे बेटा 3 वाई बराबर माइनस 6 बी, तो करोगे y बराबर तो माइनस 6 बी बटे 3, 3 दूनी 6, y बराबर माइनस 2 बी आ जाएगा। ठीक है, y का मान बेटा समीकरण नंबर 3 में उठा के रख दो, रखोगे क्या लिखोगे बेटा, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है बेटा, x अपान a बराबर 4 प्लस y अपान b यही है, y का मान माइनस 2 भी है, तो x अपान a बराबर 4 प्लस y का मान कितना माइनस 2 भी है बेटा, तो प्लस माइनस 2 भी अपान b, तो x अपान a बराबर 4 प्लस माइनस बेटा माइनस b से b कैंसिल 2 हो जाएगा, तो x अपान a बराबर 2, तो x बराबर 2 a, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसी के साथ बेटा ये प्रश्नावली हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।